बार फिर से बक्शी मीडियम ब्रॉडकास्ट में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, पीर मीठा की स्टोरी बताई थी, उसमें आपको एक करेक्टर याद होंगे जो कि हमारे साधु थे जिनको गरीब नाथ जी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, आज उन्हीं का मैं आपको पीर मीठा के नीचे ही सिचुएटेड एक जम्मू एयरपोर्ट से आपको 8 किलोमीटर की दूरी पर ये टेम्पल पड़ेगा, जिसको फेमस पीर खो टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जम्मू का सबसे फेमस टेम्पल है ये, और दूसरा इसको जामवंत गुफा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो जामवंत गुफा टेम्पल की क्या स्टोरी है, ये मैं आपको कल फुली डिस्क्राइब करूंगा, उसकी गुफा दिखाते हुए और उसके अंदर की चित्र और मूर्तियां बताते हुए। तो और आज मैं आपको ये मंदिर इसलिए दिखाने आया हूं क्योंकि मैंने एक दो दिन पहले ही आपको पीर मीठा की वीडियो में बताया था कि इनका क्या क्या रोल था, क्या प्ले किया था इन्होंने। तो आज उनके मैं आपको दर्शन कराने लाया हूं, उनका टेम्पल बताने लाया हूं, जो कि बिल्कुल हमारे रिवर तवी है, उसके किनारे पर ही ये सिचुएटेड है। बहुत ही बड़ा टेम्पल है, बहुत ही अंदर गुफा में है और रहस्यमय टेम्पल है। तो मैं आपको आज इसके दर्शन कराऊंगा, देन कल मैं आपको जामवंत गुफा के टेम्पल भी दिखाऊंगा। तो व्यू हम इस तरह लेते हैं और बताते हैं क्या है। तो दोस्तों, ये है वही गरीब नाथ जी का टेम्पल जिनका वार्तालाप हुआ था हमारे पीर मीठा साहब से। तो उनके गुरु आप देख सकते हैं, ये है उनके गुरु जी, ये उनका चित्र है, और साथ ही उनका देख सकते हैं, ये है हमारे गरीब नाथ जी, देख सकते हैं कितना अच्छा चित्र है। और ये है इनकी समाधियां, इनके शिष्यों की समाधियां, और ये हैं इनके सबसे बड़े महागुरु महायोगी श्री गोरखनाथ जी। इनका एक बहुत ही छोटा सा टेम्पल बना के रखा है, जामन गुफा पीरखो टेम्पल के बाहर। तो इसका अंदर का जो आप टेम्पल देखेंगे वो काफी ही बहुत बड़ा है, अंदर गुफा में है, क्योंकि गुफा नाम ही टेम्पल का पीरखो गुफा है, जामन गुफा है, तो बहुत ही डीप रहस्यमय टेम्पल है। कल आपको पूरा विस्तार में हम बताएंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। तो आज आपको ये बताने के लिए हम आए थे कि ये गरीब नाथ जी का टेम्पल है, तो कल इसकी स्टोरी क्या है। तो वही जो आपको पीर मीठा में बताई है स्टोरी, आप उसका रिव्यू एक बार कर सकते हैं कि कैसे गरीब नाथ जी का क्या रोल था, क्या देखा, आप वहां से जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे गरीब नाथ जी का टेम्पल, और साथ ही आपको बाहर थोड़े मिल जाएंगे जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं टेम्पल, हनुमान जी की, गणेश जी की, सिंदूर वाली मूर्तियां, और नीचे शंकर जी का मंदिर, आज आपको वो भी दिखाएंगे। दोस्तों, अब आपको जो मैंने बताया कि यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियां भी, सिंदूर वाली मूर्तियां हैं, क्योंकि ये जम्मू एक सिटी ऑफ टेम्पल है, तो आपको यहाँ पे अनेक छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी, अनेक छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपको छोटे मंदिर बनाते हैं, जो गणेश जी का मंदिर है, कैसे मूर्ति से बनाया हुआ है सिंदूर की, और बाहर भी आपको मिल जाएंगे, बाहर भी आपको मिलेंगी मूर्तियां, ये भी हनुमान जी की मिल जाएंगी, शनिदेव जी की मूर्ति है, यहां भी है मूर्ति, शिवलिंग है, देख सकते हैं, और यहां भी अनेक छोटे छोटे शिवलिंग है। 33 करोड़ देवी देवताओं के छोटे छोटे पुण्यकार अंदर भी आपको मिलेंगी, पुराना पीपल आपको मिलेगा जो छाया देता रहता है, चाहे सर्दी हो, धूप हो। तो दोस्तों, ये आपको एक और बताया था मैंने कि यहाँ पे शनिदेव जी का भी मंदिर है, काफी खूबसूरत मूर्ति है, मैंने पहली दफा ऐसी खूबसूरत मूर्ति देखी शनिदेव जी के मंदिर की, क्योंकि शनिदेव जी का मंदिर हमेशा बाहर ही होता है, बिना किसी छत्र छाया के होता है, पीपल के पास होता है, मंदिर अंदर स्थापित नहीं कर सकते, तो आपको बाहर ये मूर्ति मिल जाएगी, इसका हम बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शानदार मूर्ति बनाई गई है, दिया अभी तक जग रहा है, रात का समय है। तो दोस्तों, ये था हमारा टेम्पल गरीब नाथ जी का, जिसका जिक्र आप पिछली वीडियो में हुआ है, क्या थे वो, कैसे थे, कौन थे। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ बाहर का बताते हैं कि मंदिर कैसा है, बाहर से ही देख सकते हैं आप कितना बढ़िया मंदिर लग रहा है, और उस साइड आपको, और इस साइड आपको पार्क मिल जाएगा, इस साइड आपको पार्क है यहाँ पर बहुत अच्छा, जहाँ पर मेले लगते हैं, काफी मेले लगते हैं, दुनिया दूर दूर से घूमने के लिए आती है, और उस पार्क के साथ ही आपको मिल जाएगी नीचे रिवर तवी का पानी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर हम आपको कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा इस पीर खो गुफा के बारे में।
अब तक के लिए बाय, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।